हेलो फ्रेंड्स, मैं अकिनेश खन्ना। मेरी आज की पोइट्री है, मेरे देश की बेटी कुछ बोलना चाहती है। एक लड़की क्या बोल रही है आपको वो सुनिएगा कि अब इस दुनिया से मुझे डर सा लगता है, अब इस दुनिया से मुझे डर सा लगता है। जिधर भी देखूं हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखूं हवस के जल्लाद बैठे हैं। और आ तो गई हूँ इस दुनिया में मैं भी, और आ तो गई हूँ इस दुनिया में मैं भी, फिर भी घर से निकलने से डर सा लगता है, और घर से निकलने से डर सा लगता है। और एक ही सवाल पूछ रही हूँ इन दुनिया वालों से, और एक ही सवाल पूछ रही हूँ इन दुनिया वालों से। मैं एक लड़की हूँ, मेरा अपराध क्या यही लगता है, मैं एक लड़की हूँ, मेरा अपराध क्या यही लगता है। हाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं सभी धर्म की बेटी हूँ। हाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं सभी धर्म की बेटी हूँ, फिर भी ना जाने मुझे क्यों बहुत डर सा लगता है। और सुन लो, और सुन लो हम जैसी नाजुक कलियों पर अत्याचार करने वालों, और सुन लो हम जैसी नाजुक कलियों पर अत्याचार करने वालों। मैं बहन नहीं तुम्हारी, क्या हमारा अपराध यही लगता है, मैं बहन नहीं तुम्हारी, क्या हम मेरा अपराध यही लगता है। और पहले पहले मुझे अपने देश के कानून पर बहुत गर्व था। ये लाइन में अपने प्रधानमंत्री को बोलना चाहता हूँ कि एक बेटी क्या बोल रही है कि पहले पहले अपने देश के कानून पर मुझे बहुत गर्व था, अब मुझे इस कानून से घिन सी आने लगी है। पहले मुझे अपने देश के कानून पर बहुत गर्व था, अब इस कानून से मुझे घिन सी आने लगी है। अब क्यों नहीं बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वालों, अब क्यों नहीं बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाषण देने वालों। क्या हम तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी गलती यही है क्या। और शायद मैं उस दिन कानून को बदलता देखूंगी, और शायद मैं उस दिन कानून को बदलता देखूंगी जिस दिन जिस्म नोचा जाएगा किसी मंत्रियों की बेटी का, जिस दिन जिस्म नोचा जाएगा किसी मंत्रियों की बेटी का। और मैं एक लड़की हूँ, क्या मेरा अपराध यही लगता है क्या, मैं एक लड़की हूँ, क्या मेरा अपराध यही लगता है क्या। शुक्रिया, बताइएगा जरूर कि ये मेरी पोएट्री कैसी लगी।